फिफ्थ प्रिंसिपल बुक समरी का प्रिंसिपल नंबर 14 पे आप सभी का स्वागत है। सक्सेस प्रिंसिपल किताब जैक कैनफील्ड के लिखा हुआ एक बहुत ही बढ़िया सा किताब है, जहाँ पे टोटल 64 प्रिंसिपल्स दिया गया है। हम अगर उस 64 प्रिंसिपल्स में से एटलीस्ट कुछ प्रिंसिपल्स को भी हमारे डे टू डे लाइफ में एकोमोडेट कर सके तो हमारा सक्सेस मिलना आसान हो जाए। तो ये जो सक्सेस प्रिंसिपल 14 है, इट्स टॉक्स अबाउट जस्ट लीन इनटू इट। व्हाट इट मींस, यानी आप अगर कुछ करना चाहते हो तो उसके पीछे गिर जाओ, मींस उसके पीछे लग जाओ, उसको करना ही है बोल के। यहाँ पे एक कोट है कि यू कैन नॉट क्रॉस ए सी बाय मेयरली स्टीयरिंग इनटू द वाटर, यानी आप समुंदर को जस्ट देख के स्टीयर करके आप मीन्स पानी के तरफ देख के आप समुंदर को पार नहीं कर सकते। अगर आपको समुंदर पार करना है तो आपको तैरना चालू कर देना पड़ेगा, आपको लीन होना पड़ेगा पानी के तरफ। वेदर आप स्विमिंग करो या कोई बड़े से पानी के जहाज में बैठो या कुछ भी करो, बट जस्ट लीन इनटू इट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मीन्स जब हम बेसिकली कुछ करने के ठान लेते हैं, उस वक्त में क्या होता है कि हमारा जो रास्ता है पूरा क्लियर कट नहीं रहता, धुंधला धुंधला सा रहता है। मीन्स किधर से जाऊं, कैसे जाऊं, किस रास्ते से जाऊं, वो सब पूरा का पूरा क्लियर नहीं रहता। उस वक्त में क्या होता है कि हम थोड़ा सा कॉन्फ्यूशन में रहते, डायलेमे में रहते, चलो ठीक है थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो जाए, कैसे पहुंचना है, कैसे जाना है, कैसे ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तब तक थोड़ा सा इंतजार कर लेते। तो वो हमें नहीं करना है। ये कहते हैं कि बी विलिंग टू स्टार्ट विदाउट सीइंग द होल पाथ, यानी पूरा का पूरा रास्ता दिखना जरूरी नहीं है। थोड़ा सा करके भी थोड़ा दिखा, उसमें आप जर्नी चालू कर दो और जैसे जैसे आप चलते रहोगे आगे का रास्ता क्लियर होता रहेगा। अगर आप इंतजार करोगे कि मेरे को पूरा का पूरा रास्ता दिख जाए उसके बाद ही मैं ये मीन्स जर्नी चालू करूंगा, तो ज़्यादातर केसेस में वो जर्नी स्टार्ट होगा ही नहीं। डेट इज़ वाई वो कहते हैं कि बी विलिंग टू स्टार्ट विदाउट सीइंग द होल पाथ, यानी पूरा का पूरा रास्ता दिखने का जरूरत नहीं, जर्नी चालू कर दो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आगे का रास्ता धीरे धीरे क्लैरिटी मिलता रहेगा। एंड टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है। यानी पहला स्टेप फेथ का आप ले लीजिए, आपको पूरा का पूरा स्टेयरकेस देखने का जरूरत नहीं है, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। तो धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा, आपका जो आगे का रास्ता क्लियर मिलता रहेगा। सो ये जो प्रिंसिपल नंबर 14 है, जस्ट लीन इनटू इट, यानी आप अपना जो डिसीशन है, जो आपका काम है, उसके पीछे लीन हो जाओ, मीन्स उसके पीछे लग जाओ काम करने के पीछे। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल नंबर 14। और एक बार रिविजन के लिए हमारा अभी तक का क्या क्या प्रिंसिपल्स हुआ है। प्रिंसिपल नंबर 1, टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल नंबर 2, बी क्लियर व्हाई यू आर हियर। 3, डिसाइड व्हाट यू वांट। देन 4, बिलीव इट्स पॉसिबल। 5, बिलीव इन योरसेल्फ। 6, बिकम द इनवर्स पैरानॉइड। 7, अनलीश द पावर ऑफ गोल सेटिंग। 8, चंक इट डाउन। 9, सक्सेस लीव्स क्लूज। 10, प्लीज रिलीज द ब्रेक्स। देन 11 इज सी व्हाट यू वांट, गेट व्हाट यू सी। Then 12, act as if. 13, take action. 14, just lean into it. तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।